हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन 5 प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है वो सभी लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं, यानी कि एक लाइन वाले प्रश्न हैं जो आपके आने वाली हर एक एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर राजस्थान बोर्ड 2022 में ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आयरिश दुर्भिक्ष क्या है, आयरिश फेमाइन यानी कि अकाल क्या है। तो सन 1845 ईस्वी में आयरलैंड में आलू की पछेती अंगमारी एक रोग है, उसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा था आयरलैंड में। इसे ही आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फेमाइन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की, बोर्डो मिक्सर जो है उसकी खोज किसने की। तो प्रोफेसर मिलार्डे ने सन 1885 में इस मिश्रण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक की खोज किसने की। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी। तो सन 1944 ईस्वी में वैक्समैन नाम के वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी के फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ई जे बटलर नामक वैज्ञानिक को भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुरता या इटियोलेशन किसे कहते हैं, पांडुरता किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अभाव में पौधों का पीला पड़ना, अगर पौधों को लगातार प्रकाश नहीं मिलता और उसकी वजह से वो पीला पड़ता है तो उसे पांडुरता या इटियोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक जो होते हैं, फंजाई जो होती है, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, काइटिन की। याद ये भी रखना है साथ ही, कवकों का एक ग्रुप है, समूह है, ऊमाइकोटा संघ, उसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दो अविकल्पी परजीवी कवकों के उदाहरण दीजिए, ऐसे कवक जो अविकल्पी परजीवी है। इसके उदाहरण है एल्बुगो, पक्षीनिया, स्क्लेरोस्पोरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा क्या है। तो कवक उच्च पादपों के जड़ों के साथ सहजीवी के रूप में पाया जाता है और उसे ही माइकोराइजा कहते हैं। तो कवक है उच्च पादपों की जड़ों के साथ सहजीवन जो है उसी को माइकोराइजा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवक को मित्र फफूंद कहा जाता है, मित्र फफूंद कौन से कवक को कहते हैं। तो ट्राइकोडर्मा को मित्र फफूंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसन स्थल है, जीवाणु जो होते हैं उसमें श्वसन कौन सी जगह होते हैं, कौन सा स्थान पर होता है, कौन से कोशिकांग में होता है। तो मीसोसोम इसका जवाब होगा, श्वसन स्थल, जीवाणुओं में श्वसन जहां होता है वो जगह है मीसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में पाए जाने वाली कशाभिकाओं का निर्माण किस प्रोटीन से होता है। जो फ्लैजिला होते हैं बैक्टीरियाओं में, उसका निर्माण कौन से प्रोटीन से होता है। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन याद रखना है, इसका जवाब है फ्लैजिलिन प्रोटीन, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फ्लैजिला कशाभिका किससे बनी, फ्लैजिलिन से। नेक्स्ट है, प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर किसे कहते हैं। तो एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, इसे प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज़ है, इसलिए एग्रोबैक्टीरियम को जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोप्लाज्मा के लिए कौन सा नया वंश प्रतिपादित किया गया है। फाइटोप्लाज्मा जो होता है, जो जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सूक्ष्म जीव है, इसे नए वंश में स्थापित किया गया है और वंश का नाम है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा वंश में से रखा गया है फाइटोप्लाज्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने टोबेको मोजेक वायरस को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। वायरस को भी क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने में स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में सफलता प्राप्त की, स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का पानी साफ क्यों रहता है? तो इसका सही जवाब है, जीवाणु भोजी पाए जाते हैं गंगा नदी के पानी में, जो जीवाणु को खाकर नष्ट कर देते हैं, इसलिए गंगा नदी का पानी साफ रहता है। तो सही जवाब है, जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईपी क्या है? पीआईपी क्या है? तो जो प्रियॉन्स जो होते हैं उन्हें पीआईपी भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, प्रोटीन में संक्रामक कण, ऐसे कण जो संक्रामक हैं, रोग फैलाते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें पीआईपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो वायरस किसे कहते हैं? स्लो वायरस किसे कहते हैं? तो प्रियॉन्स को ही स्लो वायरस कहते हैं, और प्रियॉन्स को पजलिंग प्रोटीन भी कहते हैं, पजलिंग प्रोटीन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्जन या अवॉइडेंस किसे कहते हैं? परिवर्जन या अवॉइडेंस किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा, रोग प्रबंधन के वे सभी उपाय जिनके द्वारा परपोषी पौधों को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाता है, परिवर्जन कहलाता है। परिवर्जन या अवॉइडेंस अवॉइड करना है, सीधे से है, आप अपनी फसल को रोगों के संपर्क, जो रोग फैलाने वाले कारक हैं उनके संपर्क में आने ही मत दो, तो आपकी फसल अच्छी होगी। तो इस तरह के उपायों को ही हम परिवर्जन कहते हैं, आपको पौधों को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाना है। जैसे आप बुआई का समय बदल सकते हो, भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव अलग कर सकते हो, तो इससे रोग नहीं होगा। और इसी तरह के जो ये प्रबंधन है, रोग प्रबंधन है, उसे परिवर्जन कहा जाता है, अवॉइडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का खैरा रोग, खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी के कारण होता है। तो उत्तर होगा, जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कैप्सिड क्या है? कैप्सिड, कैप्सिड है वायरस का जो प्रोटीन आवरण होता है। वायरस में दो ही चीज़ें पाई जाती है, एक उसका अनुवांशिक पदार्थ, और उस अनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर एक प्रोटीन का खोल, और उस प्रोटीन के खोल या प्रोटीन के आवरण को ही कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं।